स्वागत महाराज। मेरा नाम राहुल था। क्या घटना हुई थी उस दिन राहुल जी? मैं उस दिन सर मैं सिज्जा निवादा गाँव में गाड़ी चला रहा था, तो उस दिन जो है वो प्रेम प्रकाश आया, उस साथ प्रेम प्रकाश आया, बोला कि गाड़ी ले चलो, भैया ने बुलाया है। मैं बोला क्यों, अभी तो काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो बोलता है ये सब नहीं भैया, बहुत अर्जेंट काम है, ले चलो। फिर मैं वहाँ से गाड़ी लेकर चल दिया। फिर गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचा सर, उसमें बहुत सारे लोग वहाँ दूसरी गाँव में खड़े हुए थे। ऐसे उनका ब्रेज था, अमर ब्रेज था, प्रभात था, प्रधान भी था, जिम्मेदार। तो सर गाड़ी मैं साइड में खड़ी करने लगा। मैं बोलते हैं विकास भाई मैं इसको इस रास्ते में ऐसी ऐसी खड़ी कर दो सर, मैं ऐसी ऐसी गाड़ी खड़ी कर दी। बोलते जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो, मैं सर उतना ही कर दिया। तो इसके बाद में सर मैं जैसे गाड़ी से नीचे उतरा तो बोलते हैं विकास भाई इसी गाड़ी में लेट जाओ, यहीं सो जाओ, और तब तक भीरू बोलता ना इसको बढ़िया वाली छत पर कर दो। तो हमको सर बड़ी वाली छत पर कर दिया गया और नीचे से कुंडी लगा दी जी से। किसके घर में लिटाया था? विकास दी गई थी सर। वहाँ जैसे जब छत के ऊपर पहुँचा तो देखा कि बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, बंदूकें लिए हुए खड़े हुए छतों से। और सब कम कम 10 मिनट बाद, करीब 10 मिनट बाद तक फायरिंग। और इसी की छत पे खड़े थे लोग सर, एक कच्ची घर की छत थी और विकास दी जो आगे वाली घर था, जो आगे बना हुआ था उस पर खड़े हुए थे, प्रभात की छत पे खड़े हुए थे, और इस तरफ मकान प्रेम प्रकाश का था उस पर खड़े हुए थे, मतलब चारों तरफ से घेरे हुए थे। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद फायरिंग हो रही थी। उसके बाद में जब देखा कि बहुत तेज़ फायरिंग हो रही है और वहाँ पर सर गाली गलौज भी हो रही थी बहुत तेज़ से। उसके बाद में सर कम से 15-20 मिनट तक चली। जब पुलिस अंदर आई तो तुम नहीं देख पाए थे कि पुलिस अंदर आई? नहीं सर, ये मैंने देख पाया कि पुलिस अंदर आई है। तुमसे फायरिंग करने के लिए कहा गया था कि नहीं? नहीं सर, हमसे कुछ नहीं कहा गया। गोली कौन कौन चला रहा था सर? गोली जो है मैं कुछ लोगों का नाम जानता हूँ, चेहराए पहचानता हूँ, और कुछ इसमें नए लोग थे। इसमें थे विकास दुबे थे, प्रभात था, अमर था, और शिवम था, अतुल था, प्रेम प्रकाश था, ये सब लोग।